जी ओके जी। अब ये बेसिकली कमरा है जिसमें अब मैं आपको एंटर करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये कमरे का आउटलुक है, लाइक आपको ये ऐसा कमरा दिखेगा जब जहाँ पर भी आप किसी भी प्रोजेक्शन रूम के बाहर खड़े होंगे तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा। इसके ऊपर कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, ये मुझे आपको बताने हैं। तो जो नोट्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया ओनली ऑथराइज पर्सन, यानी आप किसी भी जब आपको जॉब मिल जाती है तो ये दोनों नोट्स जो हैं वो अपने आपने रूम के बाहर ज़रूर लगवाने, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव, लाइक मैं ये आपको अगर दिखा रहा हूँ तो ये देखिए बाहर से ना कुछ ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन सी कोई लेबॉरेटरी है या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर यहाँ पर काम हो रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये इसकी जो कॉस्ट है ये करोड़ों में है। सही है। आगे सर हम अपने मेन रूम में, ये आप सामने देख रहे हैं, ये सारी इलेक्ट्रिक की जितनी भी डीबीज लगी हुई हैं यूपीएस के और बाकी सारा, तो ये फायर एग्जीक्यूटर्स हैं, मैं इसको भी दिखा रहा हूँ आपको। ये सामने यूपीएस है, वो ये वाला यूपीएस है, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये वाला यूपीएस है। और ये हम सर आपको दिखा रहे हैं इसका बैटरी बैक। सो इस ऑलमोस्ट सब प्रोजेक्टर के बैकअप पर लगा होता है। तो अब अगर कहीं पर इस गुमान में नहीं लगाया गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी ऊपर नीचे कभी ना कभी करंट का जो है वो फ्लो ज़्यादा होता है कभी कम होता है, तो इसलिए यूपीएस का बैकअप पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये किसी बाहर की कंट्री में है तो भी ये लगा होता है, और पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो है ना वो मामला आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के। ये एक नन्ही मुन्नी सी चीज़ यहाँ पर पड़ी है, या ये देख रहे हैं ये मैंने अभी इसको बंद किया, इसका थोड़ा शोर आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है। तो सर ये नन्ही मुन्नी सी जो चीज़ है ये बेसिकली ह्यूमिडिटी फायर है, ये बेसिकली पानी को अब्जॉर्ब करता है आपके पूरे माहौल में से। लाइक ये जो कमरा है इसमें से जो है ना सर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको यहाँ पर नमी नहीं चाहिए। नमी क्यों नहीं चाहिए, वो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टर के अंदर जो कार्ड है या जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर उनके ऊपर नमी जाएगी तो वो जो है वो मसला आपका ख़राब करेगी। तो ये रहा सर आपका मेन प्रोजेक्टर, जैसे जो हीट है ये साल के वो तौर पर यहाँ जो है से वो आ रही है एग्जॉस्ट करती है। सही और है। इसकी तो हीट इसकी को हीट को अंदर जो है ही वो ठंडा कमरे के किया अंदर जाता है ही रखा बिकॉज उसको पड़ता है। बाहर मिसाल आग के के तौर तौर पर पर ये ये देखें देखें मैं बाहर की बताता तरफ हूँ, आप इसका ये मुंह जो मिसाल है के वो तौर नहीं पर रख यहाँ सकते से क्योंकि आ रही बाहर, है, और डस्ट इसकी पार्टिकल्स जो हीट हैं वो को आएंगे और अंदर ही सीधे अंदर ठंडा की किया ओर जाता जाता है है बिकॉज बिकॉज इसको उसको बाहर पहले ही और आप आपके रिजल्ट जो ड्रेन है वो डैमेज बाहर की करेंगे। तरफ सही आप है। इसका, तो ये ये सर जो है आपका वो नहीं रख प्रोजेक्टर है सकते सिंपल क्योंकि सा, अभी बाहर बंद पड़ा है, डस्ट तो पार्टिकल्स डस्ट जो जो है है वो वो आएंगे आएंगे और उसको सीधे सीधे आकर आकर आपके आपके लैंप लैंप हाउस हाउस में अंदाजा हो बैठ जाएगा जाएंगे कि और ये आपके कैसा रिजल्ट चलता कुछ है है और और ये ये मामला। वो सही है, डैमेज करेंगे। वो सही है, जहां जहां पर पर से से ये तारे सर वगैरह आपका निकली हुई है प्रोजेक्टर वो है सारी सिंपल सा कार्ड अभी से बंद पड़ा है, जब मैं इसको आपको आईसीएमपी चलाना कार्ड है सिखाऊंगा उसके उसके बाद बाद नीचे नीचे थ्रीडी 3D कार्ड कार्ड है है अंदाजा हो उसके जाएगा ऊपर कि उसका ये कैसा सिस्टम मैनुअल चलता था है और और ये ये जो है पंप का, वो की पैड वो है जहां से जहां हम पर इसको से मैनुअली तारे चला वगैरह सकते निकली हैं। हुई है सही है वो जी, सारी कार्ड से आ साथ आईसीएमपी जाएं। नेक्स्ट कार्ड है उसके बाद नीचे 3D कार्ड है। सही है, उसके ऊपर उसका मैनुअल जो है ले जा, वो की पैड है ये आ जहाँ गया से हम आपका इसको दूसरा मैनुअली चला पोर्शन। सकते हैं। इस सही है पोर्शन जी, में से आप आप आ देखें जाएं कि नेक्स्ट रूम, आपको मिलता है कि ये आपका प्रोजेक्टर है और सामने एक पीसी ले जा, लैपटॉप है, ये आ वो गया नीचे आपका सामने एक दूसरा फोन पोर्शन। एक्सटेंशन इस है, पोर्शन में से आप एंड देखें ये मेज कि ये आपका जो ऊपर लगा हुआ है डॉल्बी डिजिटल सिनेमा प्रोसेसर, ये बेसिकली है आपके साउंड का प्रोसेसर। यहाँ से आप अपने साउंड की कैलिब्रेशन करते हैं, साउंड को मैनेज करते हैं, साउंड बढ़ाना है कम करना है, उसका चैनल चेंज करना है, सराउंडिंग पे फ्रंट पे बैक पे रखना है, ये सारा आप यहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं। ये इसका सॉफ्टवेयर है, वो मैं आपको जब सॉफ्ट, ये नीचे एम्पलीफायर्स हैं जी, ये 5 एम्पलीफायर्स हैं, यानी फ्रंट को बैक को लेफ्ट राइट साउंड को और बेसिस को कंट्रोल करते हैं आप इन एम्पलीफायर्स की तरफ। ठीक है जी, तो इनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है ना कुछ इनके साथ काम करना है। जब आपका टेक्नीशियन जो मेन टेक्नीशियन है वो इसको जब इंस्टॉल करके देंगे तो वो एक बार में ही आपको लगा कर दे देंगे, उसके बाद आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके के साथ ये साउंड का जो प्रोसेसर है इसको भी छेड़ने की ज़्यादातर ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट आपको जस्ट चैनल चेंज करने होते हैं और आवाज़ को ऊपर नीचे करना होता है और दैट्स इट। ये प्रोजेक्टर पे आपको एसी वाला कमरा जो मिलेगा वो ये है, जरा भी एसी लगा हुआ है और एक एसी ये लगा हुआ है। ठीक है जी, हमारा टूर कंप्लीट हुआ। बेसिकली मुझे इस टूर में आपको यही बताना था कि प्रोजेक्टर रूम में बेसिकली होता क्या क्या है। सही है, तो आपको अब ये जो कमरा है वो नया नहीं लगेगा, अब जब भी इस कमरे में दाखिल होंगे तो आपको एक चीज़ का पता होगा कि इस कमरे में ये चीज़ें मौजूद है। तो
घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जस्ट आपको एंटर होना है और अपना काम शुरू कर देना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।